इंदौर के चंद्रनगर इलाके के कुख्यात गुंडे हबला के बेटे से एक युवक का विवाद हो गया। विवाद के बाद गुंडे ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक के घर में घुसकर मारपीट तोड़फोड़ कर बाहर खड़ी एसयूवी के कांच भी फोड़ दिए। इसके बाद घबराए युवक के परिजनों ने गुंडे और उसके बेटे पर हमला कर दिया, जिसमें ताबड़तोड़ चाकूबाजी में गुंडे को चाकू लग गए। पुलिस ने इस मामले में मौके से आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। चंदन नगर TI अभय वर्मा के मुताबिक घटना मक्का मस्जिद के यहाँ की है। यहाँ उस्मान खान की मोहसिन हुसैन से कहा सुनी हो गई थी। मोहसिन का पिता अब्दुल हुसैन उर्फ हबला इलाके का कुख्यात बदमाश है। उसने इसके बाद उस्मान के घर में घुसकर साथियों के साथ मिलकर जमकर तोड़फोड़ की। वहीं उस्मान को पीटते हुए बाहर ले आए। यहाँ उसकी बाहर खड़ी SUV गाड़ी भी तोड़ दी। इस दौरान उस्मान के परिवार के लोग भी इकट्ठा होकर आ गए और हबला हुसैन पर चाकुओं से लैस होकर हमला कर दिया। झगड़े की सूचना पर चंद्रनगर पुलिस मौके पर पहुंची। यहां कुछ लोगों को चाकू और अन्य हथियारों के साथ मौके से ही पकड़कर थाने ले जाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो चंद्रनगर इलाके में सोमवार रात को ही विवाद में 4 दर्जन से अधिक लोग आमने सामने मौजूद थे, जिसमें जमकर पत्थरबाजी और हथियार भी उपयोग किए जा रहे हैं। पुलिस ने भीड़ में घुसकर हबला को हमलावरों से बचाया। इसके बाद उसे रिक्शा में डालकर MY अस्पताल पहुंचाया। हबला पर करीब 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। हबला पर लूट, हत्या का प्रयास, डकैती सहित सुपारी लेकर हमला करवाने के कई मामले दर्ज हैं। आरोपी को कुछ समय पहले क्राइम ब्रांच के अधिकारी अमरेंद्र सिंह ने पकड़ा था। आरोपी ने उस समय एक व्यापारी का अपहरण कर हत्या करने की 10 लाख की सुपारी ली थी। जेल से छूटने के बाद हबला इलाके में ही अवैध काम कर रहा था।